जाते। ये वाला मैं पहले से पैकिंग कर लिया था, ये वाला सूटकेस अपना पूरा कपड़े से भरा हुआ है, वो वाला हैंडबैग जिसमें सिर्फ अपने शूज ले जा रहा हूँ और कुछ शूज छोड़ के जा रहा हूँ, एक फॉर्मल है और ये एलवी के। तो मजा आया, गुड वर्क गुड वर्क। जल्दी हाय टू द ब्लॉग करो क्योंकि तुम उनमें से होगे जो देख रहा होगा क्या कहते हैं ब्लॉग, सो से हाय टू योरसेल्फ गाइस। यस यस ये देखो दिव्य को देखो, आर्यन भी है और कौन है ये एवीजी स्पाई गेमिंग, हाय लिख रहे हैं। लेकिन गाइस जाने से पहले एज यू नो कि मैं हमेशा लुक्स एंड एवरीथिंग को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, मतलब ऑब्वियसली हर कोई देता है, एंड यू नो अपार्ट फ्रॉम द लुक्स एंड व्हाट यू वेयर कोड यूज करना मामा 2020 नेचर आल्सो मामा Something that can make sense. The hate when I keep dreaming, I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. So, guys, finally, the check-in done. Everything. ये बेब का है ना, बेब वाला? अपने प्लेन की तरफ, लेकिन हाँ मुझे इस बार लगता है कि फुल वाइब होगा इस बार, अच्छा खासा। विल सी वहाँ पे कैसा सिस्टम क्या होता है क्या नहीं। अच्छा बाय द वे, आप लोग को पता नहीं होगा तो मामबा उधर गए थे दुबई, दुबई तो वो जो शूज़ थे वो तो मैंने अपने पैसे दिए थे, बट मामबा ने मेरे लिए गिफ्ट भी लाया था कार्ल लैगरफेल्ड से। इट वॉज ट्रैक सूट तो नहीं था बट इट वॉज स्वेट शर्ट था और एक फुल ट्राउजर्स थे, बहुत अच्छा है, अच्छा था, अच्छा था। ये शायद मैं बताना भूल गई, आज होगा कि रात को स्काउट के साथ वैलो। आई डोंट थिंक स्काउट ने इन किया है, स्काउट नहीं है वैलो है। तो अभी हम लोग चलते हैं एयरक्राफ्ट की तरफ एंड एयरक्राफ्ट की तरफ, ठीक है भाई। ए मामा बहुत टाइम बाद ऐसे अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, नो कंपनी। Whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to build something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. क्या हाल है? गाइस हम तो आगे गेमिंग हाउस, लेकिन सब लोग सो रहे हैं अभी, तो हम भी लगे हंस जाते हैं। तो भाई अब नॉर्मल टाइम का मत करो। बदन सब लोग सो रहे हैं अभी, तो हम भी लगे हंस जाते हैं। मत करो। अबे ये पोची हमेशा ऐसे हरकतें क्यों करता है? पहले वो क्लीवेज दिख जाएगा, फिर 18 प्लस मत करो, फिर अभी नंगूस हो रहा है। ये पोची क्यों करता है यार, पोची के लक्षण सही नहीं लग रहे। मैं बदन तो है रे पोची, तुमने तो बोला अभी शर्ट खोल के आगे ले तो छी, ये कैसे टोन में बात आगे शुरू हो गया तुम। इस बार हम खत्म ही नहीं होंगे, शुरू तो बहुत दूर का बात है। तुम्हारा पता नहीं 3 दिन तक तो तुम्हारा जेट लैग रहेगा अलीगढ़ से यहां तक का। हां तो भाई 12 घंटे का सफर है, जेट लैग नहीं होगा गाइस? ये अलीगढ़ से सफर करके आते हैं इसको जेट लैग हो जाता है। कैसा बेदिल आदमी है बे तुम, बदतमीज आदमी है। फिर 3 दिन बाद भी तुम दोपहर 4-4 बजे शाम को आएगा उठ के, तुम पूछ रहे यार मामा आज ये पोछे कुछ ज्यादा ही अच्छे से नहीं जानता, स्लीप डिप्राइव्ड है। बताऊं नींद नहीं हो पा रही। 26 ऑन ट्रेंडिंग, स्लीप डिप्राइव्ड है। इंस्टाग्राम में बायो में लिख दो ऑलवेज स्लीप डिप्राइव्ड। 14 प्रो मैक्स कब लिया मामा? ले लिए थे कुछ दिन पहले। क्या बात कर रहे हो, एक व्लॉग में दो इंटीग्रेशन, लाइफ में मेजर अपग्रेड हो जाते हैं तुम बताते भी नहीं हो। स्माइल तो है, नहीं मेरे तो कुछ स्माइल तो है, अपग्रेड हुआ नहीं है। पोची के साथ मामा की स्माइल तो है, लाल में कुछ काला तो है। लाल लाल आंखों से आपको पता लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई है, फट गई है मेरी। जल्दी जल्दी ब्रूस करो, अब ब्रूस करके ऊपर आओ, ऊपर में शूट है कट पे। हां ओके आता हूं सर। गाइस ये अरे इंटीग्रेशन नहीं था, मुझे लगा इंटीग्रेशन है। ऐसा मेरा स्वागत है, क्या है मामा, हाउ आर यू? आपको कैसा लग रहा है गेमिंग हाउस में? पहली बार आया हूं मैं एक्चुअली, 10 दिन के लिए रहने, और इससे पहले 10 दिन का क्रैश कोर्स है आपका इस बार का। हां मतलब समझ लो अगर जब तक भाभी जी नहीं आते गांव से तब तक मैं यहीं हूं। अच्छा मजे, हां भाई क्या सिखाए थे? वेलकम वेलकम, कहाँ से
से कहाँ आ गए हम लोग। अच्छा वो मैं गेमिंग हाउस में नहीं रहती। लेट्स फकिंग गो। तैयार देखो हमारे लॉन्डे। ये जेलर बन के रह रहा है, घूम रहा है। देख लो, नहीं तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि लड़की अपनी घर की बेटी की विदाई होने वाली है। भरपूर पैकिंग वैकिंग चल रही है। घर की बेटी आदि। अभी तुम्हें मेगा क्लियरेंस दिखानी है अभी, जब गोल्डी भाई किसी दिन बैठते है ना भाई। गोल्डी भाई ऑक्शन करते है, बताए गाइस। गोल्डी भाई ऐसा कपड़े कहीं बिखरे हुए हो, गोली भाई एक बार ग्रुप में बोलते हैं भाई ये कपड़े पड़े हुए जिसके है ले जाओ, वरना भाई ऑक्शन हो जाता है कपड़ों का, लेजिट फाट देते हैं किसी पे भी भाई, चाहे वो कितनी ही महंगी टी शर्ट हो। एक रहेगा कि थी शायद कोई कौन सी टी शर्ट थी भाई, महंगी टी शर्ट थी वो, किसको दे दी थी, कृष्णा कृष्णा को दे दी थी भाई, सोचो कोई थी ऐसी। यहाँ पे बहुत बड़ी सेल होती है। आई एम अ वेरी इमोशनल सेंटिमेंटल पर्सन, तो मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे सराउंडिंग के लोगों के लिए उतना ही उससे ख्याल करे, क्योंकि मतलब मेरे हमेशा से ये ट्रेट रहा है कि मैं मतलब रिलेशनशिप तो मेरे पास्ट में भी रहे लेकिन मैं भाई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ, मतलब जो दोस्त भी हो जाए, मतलब दोस्ती भी हो गई, कोई तो रिलेशनशिप भी स्वीट नाइस यस बस, एंड और बाकी वो कुछ बताऊंगा, बाकी उसको बताऊंगा, ये सब तुझ में होना चाहिए। तुम मेलेडी सो गाइस अभी मेलेडी, हां तुम तो हो ही, मुझे पता ही है। नहीं नहीं तुम हो बहुत बड़े मेलेडी हो, तुम द बिगेस्ट मेलेडी।